नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सही चौक लाइव। सही चौक लाइव में सबसे पहले हम आपको ये अपडेट कर दें कि तबलीगी जमात मामले में कटिहार प्रशासन ने हद तक जांच पूरी कर ली है और उसमें ये बातें सामने आई है कि कटिहार के जो 7 व्यक्ति कोढ़ा के, फलका के और पोठिया के बताए जा रहे थे, वो 7 व्यक्ति तबलीगी जमात में मरकज में शामिल होकर आज तक कटिहार नहीं पहुंचे हैं। तो जो सवाल उठ रहा था कि इनके जरिए संक्रमण कटिहार पहुंचा होगा, ये बात पूरी तरीके से खारिज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 11 विदेशी नागरिकों की बात कही जा रही थी। उस 11 विदेशी नागरिकों में 10 बांग्लादेशी और 1 इंडोनेशिया के निवासी बताए जा रहे हैं। ये 11 विदेशी नागरिक 15 फरवरी को कटिहार आए थे और 10 मार्च तक कटिहार में रहे थे और 10 मार्च को कटिहार से दिल्ली तबलीगी जमात में शिरकत करने पहुंचे थे। तो दूसरी संभावना भी तबलीगी जमात से कटिहार संक्रमण पहुंचने की जो बनती थी वो भी लगभग खारिज हो चुकी है। हाँ, एक संभावना जरूर बनती है कि जो लोग विदेशी नागरिक जो बांग्लादेश और इंडोनेशिया से आए थे, वो क्या संक्रमण उनमें था या वो संक्रमित थे। इन तमाम चीजों को लेकर 4 लोगों को जो उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, 4 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जो 1% संभावना ये बनती थी कि विदेशी नागरिक अगर संक्रमण लेकर आए होंगे तो उनके क्लोज कांटेक्ट के लोगों का सैंपल कटिहार प्रशासन ने लिया है। साथ ही साथ कटिहार के डीएम ने मस्जिदों की तारीफ भी की है, कहा है कि मस्जिद से उन्हें भरपूर सहयोग मिला और लोगों ने जमकर उनका साथ दिया। सबसे पहले यह सुनिए कि कटिहार के डीएम कमल तनुज ने क्या कहा इस मामले को लेकर। जैसा ये अभी तबलीगी जमात के बारे में आप लोगों ने कुछ सूचना प्राप्त की होगी, जिसमें 7 लोग कटिहार जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो 7 लोग जो कि जिसमें 4 कोढ़ा के, 3 फलका के हैं, 2 फलका के और 1 समेली के, वो 7 लोग हम लोगों ने उसकी ट्रैकिंग की है और वो दिसंबर 19 के बाद से कटिहार में आए ही नहीं हैं। वो मॉरिशस चले गए थे और उसके बाद कुछ लोग 16 को और कुछ लोग 20 दिसंबर को दिल्ली पहुँचे, 20 मार्च को, और उसके बाद वो वहीं फिरोज़ाबाद में लॉकडाउन के कारण वहीं रह गए, तो दे हैव नॉट रिटर्न टू कटिहार, वो वापस आए नहीं है, इसलिए उनसे यहाँ पे कटिहार में इन्फेक्शन की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा जो 11 विदेश से लोग आए हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश और एक अन्य देश से हैं, वो लोग यहाँ 15 फरवरी से 10 मार्च के बीच में रहे हैं। 10 मार्च को वो निज़ामुद्दीन के लिए अब दिल्ली के लिए निकल गए हैं, लेकिन उस घटना के बाद वो रिटर्न नहीं किए, ये बिल्कुल हम लोगों को क्लियर इसकी जानकारी मिली है। हम लोग हालांकि उसके बावजूद अलर्ट रहते हुए इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर वो जब यहाँ आए भी थे, वो इन्फेक्शन ले के अगर आए थे, ज़रा सी अगर एक संभावना हम देख लें, तो भी 10 मार्च को उनको छोड़े हुए आज 20-21 दिन हो गए हैं, तो अगर कोई सिम्टम आना होता तो अब तक आ जाता। इसके बावजूद भी वो यहाँ जहाँ जहाँ रहे, क्लोज कॉन्टैक्ट में ज़्यादा दिन जहाँ रहे, वहाँ पर हम लोगों ने 4 लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और पूरे सम्मान के साथ उनका हम लोगों ने एक सैंपल लिया है, उसको सैंपल भी हम लोगों ने भेज दिया है ताकि ये रहा सहा डाउट भी दूर हो जाए कि अगर वो 1 महीने यहाँ थे, 20 दिन के बाद भी अगर किसी को लगता है संभावना हो सकती है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने सैंपल ले लिया है, तो उसके आते ही रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तत्पर हैं। निश्चित तौर पर कटिहार प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर बिल्कुल सजग है और हर एक संभावना में वो जांच कर रही है, तत्परता से सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे। कटिहार पुलिस का लगातार मानवीय चेहरा सामने आ रहा है। आज फिर कटिहार पुलिस के एएसपी कहीं पशुओं को खाना खिलाते दिखे, तो कहीं गरीब बेसहारा और निर्धन लोगों को खाना खिलाते दिखे। गरीब बेसहारा, निर्धन लोग और पशुओं के लिए फरिश्ता के रूप में साबित हो रहे हैं कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ला। देखिए इस रिपोर्ट में।
कटिहार पुलिस का लगातार मानवीय चेहरा सामने आ रहा है। कटिहार पुलिस के एएसपी हरिमोहन शुक्ला लॉकडाउन के दौरान लगातार हर जरूरतमंदों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। जहां एक तरफ एएसपी हरिमोहन शुक्ला गरीब, निर्धन, बेसहारा और मजबूर लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट की इस घड़ी में एएसपी हरिमोहन शुक्ला का पशु और पक्षी प्रेम भी लगातार देखने को मिल रहा है। एएसपी हरिमोहन शुक्ला लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ साथ रास्ते में दिख रहे पशु और पक्षी को दाना पानी मुहैया करा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच है कि कई पशु और पक्षियों को इन दिनों खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा कई जगहों से पक्षियों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में हरिमोहन शुक्ला ना सिर्फ इंसानों के लिए फरिश्ता बनकर उभर रहे हैं, बल्कि पशु और पक्षियों के लिए भी हरिमोहन शुक्ला किसी फरिश्ता से कम साबित नहीं हो रहे। देखिए, इस आपदा की स्थिति में हर व्यक्ति की दैनिक जो गतिविधियाँ उन पर रोक लग गई है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पुलिस पब्लिक की जो दैनिक क्रियाएँ हैं उससे जुड़े हुए, उनको खाना मिलता है, उससे उनकी परवरिश होती है। आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो जानवर जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है वो भूखे हुए टहल रहे हैं, इधर उधर क्रसकाय स्थिति में पड़े हुए हैं। तो ये पुलिस परिवार की तरफ से एक ये भी सोच बनी कि हम लोग जो लोगों को, जो भूखे और बेसहारा लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, उनको तो कराएँ, साथ साथ ये लोग भी जब इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो समय निकाल कर हम लोग इन्हें भी भोजन कराएं, ताकि इनका भी, इनके भी जीवन की रक्षा हो सके। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि इस विकट परिस्थिति में पशु पक्षियों को आपके स्नेह की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, और इन्हें बचाए रखने के लिए कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ला जैसे लगातार प्रयास करने की जरूरत है। रतन कुमार, टाइम्स न्यूज, कटिहार। निश्चित तौर पर पुलिस की इस कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस लगातार मानवीय चेहरा दिखा रही है, ना सिर्फ इंसानों में बल्कि पशु और पक्षियों के लिए भी। बढ़ते हैं आगे। शहीद चौक की परंपरा रही है कि रामनवमी के दौरान शहीद चौक पर दिए जलाए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान यह परंपरा टूटे ना, इसके लिए इमरान ने एक छोटी सी पहल की है। देखिए इमरान की यह रिपोर्ट। रामनवमी के अवसर पर कटिहार की परंपरा रही है कि लोग शहीद चौक पर पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे दीप जलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। वर्षों से रामनवमी में चली ये परंपरा टूटे ना, इसके लिए शहीद चौक लाइव प्रोग्राम के दौरान इस परंपरा को कायम रखने की हमने एक छोटी सी पहल की। हमें सबों का ख्याल है और सभी परंपरा का स्मरण और ध्यान है। आप घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, आपसे जुड़े सवाल पूछने और हमारी परंपरा दोनों को बचाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। शहीद चौक की ये परंपरा रही है कि हर रामनवमी में यहाँ दिए जलते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये परंपरा टूटे ना। हमें सबों का ख्याल है, हमें परंपराओं का ख्याल है, हमें हर एक आपको हो रही असुविधाओं का ख्याल है, इसलिए हम आपके लिए सवाल उठाते हैं, आपके खातिर सवाल उठाते हैं। आज के लिए हमें और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।